तो फ्रेंड्स, ये है दिल्ली एनसीआर में एक ऐसी जगह जहां आप आइस के साथ मस्ती कर सकते हैं। एक मॉल, मैं पूरी डिटेल में आपको इसकी डिटेल में बिल्कुल जानकारी देने वाला हूं, बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो मेरे वीडियो को आप एंड तक देखिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा मॉल है। मैं आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक ले चलूँगा, एक एक पार्ट दिखाऊँगा इसका। तो मेरे वीडियो को आप एंड तक देखिए। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और एक बार जाके ज़रूर देखें। बहुत ही आपको एंजॉय आने वाला है, बहुत ही मस्ती की हमने। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप बहुत सारे इस तरीके के आप फोटो क्लिक करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा द ग्रैंड वेनिस मॉल ग्रेटर नोएडा। देखने में कितना खूबसूरत है ये। तो नहीं बट बड़ा है। हाँ, खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। शॉपिंग भी बहुत अच्छी होती है। इंजीनियर्स कुकिंग है ना, इसलिए। और यहाँ पर सोनू जी शॉपिंग करने वाले हैं, बहुत सारी हम देखेंगे। हम देखेंगे, क्या वो बंद 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 पड़ा गया भाई? ये तो गलत बात है। नहीं नहीं, बंद कैसे हो जाएगा? अंदर ये तो बना ही नहीं है भाई साहब। ये तो बना ही नहीं है। In 200 meters turn left। हाँ, नहीं नहीं, हो सकता कोई दूसरा हो भाई। ये तो बना भी नहीं है। ये तो मॉल अभी रेडी नहीं हुआ भाई साहब। हमें कहाँ लेके आ गए आप? अरे सो अनिल से पूछना, क्या नाम है, किस जगह था भाई वो? ये नहीं बनाया था, बना क्योंकि इसमें मैं तेरे को बता रहा था कि मैं पहले आया था उस टाइम तो अंडर कंस्ट्रक्शन उसमें तो दिखा रहे थे गूगल पे तो बहुत सारे। मैं विकास से पूछूं? कौन पूछो? ये गूगल पे तो दिखा रहे थे बहुत। सुनील बता देगा ना अच्छे से। सुनील तो यही है ऊपर तो वेनिस। हां, द वेनिस मॉल तो यही था। द नेक्स्ट लेफ्ट देन योर डेस्टिनेशन विल बी ऑन द लेफ्ट। चलना इधर हल्दीराम वगैरह भी है। है है, खुला है, खुला है। बहुत बड़ा है, शायद पीछे का हिस्सा बन रहा होगा, भी हो सकता है। मास्क ऊपर कर लो। क्यों, हमने लगाया नहीं ऊपर क्या? लगता है वो अपने फैन को बोल रहा हूँ, फैन ने मास्क लगाया। राकेश खंडेला है हल्ले वाले खुशिया एंड पुलिस सामने पुलिस। Your destination is on the left. यही से है शायद। एंट्री फ्रॉम गेट नंबर 4 से बता रहा है। एंट्री फ्रॉम गेट नंबर 4। वैम्पायर्स की बेटी वैम्पायर ही तो होगी। मैं आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ। एक्चुअली हम एंट्री ढूंढ रहे हैं। गेट नंबर 4 से एंट्री है। इसमें बिग बाजार भी है, आप देख सकते हैं बोर्ड। और अंदर जाके मैं पूरा दिखाने वाला हूँ आपको। वैलिड पार्किंग एंट्री यही तो है। एंट्री गेट नंबर 3 वो है, गेट नंबर 4। तो ये आगे है गेट नंबर 3, गेट नंबर 4। यहाँ से आप कार पार्किंग अगर करना चाह रहे हैं तो गेट नंबर 4 से आपको जाना पड़ेगा। और बेसमेंट में है इसकी पार्किंग, लाइफ स्टाइल, बिग बाजार। ये है पार्किंग। हम आ गए हैं पार्किंग में, और पार्किंग में भी उन्होंने काफी अंधेरा किया हुआ है। पार्किंग से हॉरर स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए सामने दो चुड़ैल जा रही है। नहीं, एक तो भूत है एक्चुअली, ये तो अंकल आंटी है। दिखा देता हूँ आपको, देखिए अंदर कितने सारे भूत हैं गाड़ी में। ये मसान है। तो फ्रेंड्स, बेसमेंट में गाड़ी पार्क करने के बाद इसमें आप यस फ्लोर पे, आप कई सारे फ्लोर हैं इसमें। एक्चुअली ये 4 से 5 फ्लोर की बिल्डिंग है।
तो अभी हम लिफ्ट लॉबी में हैं और ये हमारे परम मित्र हैं सोनू कुमार जी। एक्चुअली मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं बहुत ही कम वीडियो में दिखूँगा आपको, मगर मॉल का हर एक कोना मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसमें एक फेमस है गंडोला करके, इसमें एक फेमस चीज़ है जिसकी आप राइड कर सकते हैं और इसमें इस्नो मस्ती भी है। इसमें बहुत सारे थिएटर हैं, बहुत सारे इसमें शॉप्स हैं, ब्रांडेड शॉप्स जिनसे आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो मैं पूरा डिटेल में दिखाने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में घुसते ही राइट एंड पे ही एंड मी का बहुत बड़ा शोरूम है इसमें। और जैसा कि मैं बात कर रहा था गंडोला राइड की, तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही है, ग्राउंड फ्लोर पे ही है। तो थोड़ा सा अलग लगता है, यूनिक मॉल लगता है ये। आप देख सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे इतनी बड़ी झील टाइप की बनी हुई है और ये गंडोला खड़ा हुआ है जिससे हम राइड कर सकते हैं। इसका जो चार्ज है मंडे टू फ्राइडे 300 है पर पर्सन, और सैटरडे संडे वीक डे में 400 है। एक्चुअली हमने ये राइड नहीं की क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि ये सिर्फ 10 मिनट की राइड होती है। यदि आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, मगर इसमें ज़्यादा एंजॉय नहीं आता क्योंकि ये सिर्फ 10 मिनट की राइड है। आपको ये ले जाते हैं नाव पे बैठा के, 2 से 3 लोग एक बार में बैठाते हैं और 10 मिनट में लौट के वापस ले आते हैं। एक्चुअली ये जहाँ जा रही है, ये जो इन्होंने बना रखी है ये लेक टाइप की, तो उधर जाने का रास्ता नहीं है, वो आपको नाव से ही जाना पड़ेगा। बाकी मैं आपको पूरा मॉल दिखा देता हूँ। तो ये रीना भूमिन ब्यूटी भी हमारे साथ में है, इनका चैनल है, आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल में, मेरे फेवरेट चैनल में आ रहा होगा। मेरी वाइफ हैं ये और हमारे बचपन के मित्र सोनू जी और उनकी फैमिली भी साथ में थी। तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके यहाँ पे खड़े होकर हम फ़ोटो क्लिक कर रहे थे तो इस यहाँ से पूरा मॉल दिख रहा था, बहुत ही सुंदर। मैं मॉल आपको ऊपर दिखा देता हूँ। इसकी जो डिजाइनिंग की है ना, बहुत ही सुंदर की है, बहुत ही क्लासिक की है। काफ़ी बड़े बड़े शोरूम हैं इसमें, देख सकते हैं आप, और काफ़ी ब्रांडेड शोरूम है और नॉर्मल भी शोरूम है। और आप मॉल के हर एक कोने में फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर है अंदर से। मैं कहूँगा दिल्ली NCR का सबसे सुंदर मॉल है ये। ये ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। यदि आप गूगल पे करेंगे द वेनिस ग्रैंड मॉल तो इसकी लोकेशन आपको मिल जाएगी। एक्चुअली हम लोग गाज़ियाबाद से गए थे, लगभग गाज़ियाबाद से 35 किलोमीटर पड़ा था। तो सबसे अच्छा इसका जो पॉइंट है वो ये गंडोला राइड ही इसको ज़्यादा पब्लिश करते हैं। तो आप अगर गूगल करते हैं तो ये गंडोला राइड वगैरह इसका सारे पिक्चर मिलेंगे। तो यहाँ पर ऊपर जाने के लिए एस्केलेटर हैं, स्टेयरकेस हैं, लिफ्ट है, आप जैसे जाना चाहें सब कुछ है इसमें। और इसका जो स्टेयरकेस है वो देखिए आप, मैं पूरा दिखाऊंगा आपको। अभी थोड़ी सी प्यू के साथ मस्ती कर लेते हैं। ए हो इधर देख, तो मैं आपको स्टेयरकेस दिखाता हूँ। देखने में बिल्कुल गोल स्टेयरकेस बना हुआ है, इस पर लोग फोटो खिंचाते हैं इस पर खड़े होके ना, तो एक्चुअली बहुत ही अच्छा लुक आता है यदि अंदर से आप फोटो क्लिक करते हैं या अंदर खड़े होके बाहर से आप फोटो खींचते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये स्टेयरकेस बिल्कुल गोल गोल है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। यदि आप इस पर चढ़ के जाएंगे ना तो भी बहुत ही अच्छा लगता है। मैं पूरा आपको दिखाऊंगा, अंदर तक का पूरा दिखाऊंगा। अभी मैं आपको ग्राउंड फ्लोर पे हूँ और मैं पूरा मॉल आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ। और जैसा कि मैं बात कर रहा था गंडोला राइड के, मैं दूसरी तरफ से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है, प्राइस लिस्ट है, और यहाँ से आप एंटर करके नीचे जाएंगे तो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है, नीचे जाके आप बोर्ड से राइड कर सकते हैं। मैं तो सजेस्ट करूँगा इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं है, आप मॉल घूमिए। और हमने जो मस्ती की थी वो जो इस्नो मस्ती है उसमें मस्ती की थी।
तो चलिए मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। सेकंड फ्लोर पे है वो, जहाँ पर किड्स जोन है, प्ले जोन है, बहुत सारे एन्जॉयमेंट, बहुत सारे एडवेंचर हैं। मैं आपको ले चलता हूँ, पूरा दिखाता हूँ ऊपर तक का। तो सभी फैमिली मेम्बर्स बहुत खुश थे, बच्चे बहुत खुश थे, सभी को बहुत अच्छा लग रहा था। एक्चुअली हम अच्छा सा घूमने के लिए कोई जगह देख रहे थे, तो इसके बारे में गूगल से पता लगा, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसको घूमें। और वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोगों को भी पता लगे कि एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ आप पिकनिक मना सकते हैं या घूमने जा सकते हैं वीकेंड पे। तो इसमें हर एक शोरूम है, हर एक ब्रांडेड शोरूम आपको मिल जाएगा यदि आप शॉपिंग करना चाह रहे हैं। बिग बाज़ार भी है इसमें, बाटा है, तो हर एक कैटेगरी का है। आप महंगे लेना चाह रहे हैं तो महंगी कैटेगरी है, और लो कैटेगरी बाटा जैसे शोरूम भी हैं। आप फर्स्ट फ्लोर से देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। तो चलिए अब सेकंड फ्लोर की तरफ चलते हैं। जो मेन प्लस पॉइंट है इसका, सीढ़ी से चढ़ते हुए यदि आप नीचे देखते हैं ना, तो मॉल बहुत ही सुंदर लगता है। और इसकी जो लाइटिंग वगैरह है ना, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही सुंदर लाइटिंग की हुई है, काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग है इसकी मॉल की। तो दिल्ली एनसीआर का अब तक का सबसे अच्छा मॉल लगा मुझे। ऊपर से मैं दिखाता हूँ आपको लेक किस तरीके से। और अब हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे। तो थोड़ा ऊपर और चलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सेकंड फ्लोर। और यहाँ पर सारा किड्स जोन है, यहाँ पर स्नो मस्ती है। स्नो मस्ती का पूरा वीडियो, डिटेल में वीडियो यदि आपको देखना है ना, तो मेरा दूसरा जो चैनल है टेक्निकल दोस्त विनीत, मैं उसका लिंक दे दूंगा नीचे, उस पर डालूंगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो है वो। मतलब यहाँ पर बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, देखिए किड्स जोन है बच्चों के लिए। और एक्चुअली एक चैनल पर वीडियो अपलोड करना थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो है। मतलब मैंने लगभग 1.5 घंटे का वीडियो शूट किया है बिल्कुल स्नो मस्ती के अंदर का। तो उसमें से बढ़िया बढ़िया क्लिप करके मैं लगभग 20 से 25 मिनट का वीडियो डालूंगा। बहुत ही आपको अच्छा लगने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको, अगर यदि आप मेरा वीडियो देखेंगे। तो मैं उसका लिंक दे दूंगा, या आप टेक्निकल दोस्त विनीत पर चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से बोर्ड लगे हुए हैं स्नो मस्ती के जाने के लिए रास्ता बिल्कुल। तो यहाँ का जो टेम्परेचर ये बता रहे हैं -12 सेंटीग्रेड। हल्दीराम भी है यदि आप कुछ खाना चाह रहे हैं। यहाँ पे फूड कोर्ट कई सारे सेकंड फ्लोर पे फूड कोर्ट हैं, और ग्राउंड पे भी एक बहुत ही सुंदर फूड कोर्ट है, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है ग्राउंड पर बिल्कुल झील से सट के। आप कॉफ़ी पीना चाह रहे हैं तो ग्राउंड पे आपको कॉफ़ी भी मिलेगी। और यहाँ से हम एंटर करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर हैं, मैं कुछ करके आपको दिखाता हूँ। जैसे आप स्टार्टिंग में घुसेंगे, और यदि आप हॉरर मूवी वगैरह देखना पसंद करते हैं, हॉरर शो देखना पसंद करते हैं, तो ये द हाउस ऑफ डेड, बहुत ही अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, बहुत डर लग रहा था बच्चों को। तो और हम अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि मैं बहुत डरता हूँ हॉरर मूवी देखने से। तो यदि आप हॉरर पसंद करते हैं तो आप अंदर जा सकते हैं। कुछ लोग हॉरर देख के निकल रहे थे, आप उनके चेहरे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, हंस रहे हैं लोग। तो आप देख सकते हैं जो हॉरर पसंद करते हैं तो। और यहाँ पर एक 7D सिनेमा करके थिएटर बनाया हुआ है उन्होंने, आप देखेंगे तो लेफ्ट में, तो आप यदि 7D देखने जा रहे हैं तो 7D देख सकते हैं। तो दूसरी तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ, दूसरी तरफ बच्चों के लिए बहुत ही सारे गेम हैं, बहुत सारे गेम हैं बच्चों के लिए। आप दूसरी तरफ में आपको
और अब मैं इसमें मस्ती की तरफ चलता हूँ, तो यहाँ पर बीच में उन्होंने पेड़ लगाए हुए हैं जिससे आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, राक्षस टाइप के बनाए हुए हैं, तो आप इस तरीके से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आगे हम जाने वाले हैं स्नो मस्ती में, बर्फ़ के साथ बहुत मस्ती करने वाले हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मैं ये वीडियो अभी स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं पूरी स्नो मस्ती दिखाऊंगा। लगभग 20 से 25 मिनट का वीडियो मैंने, मतलब एक डेढ़ घंटे का वीडियो शूट किया हुआ है। अंदर का मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से हमने मस्ती की, बहुत मस्ती की है। तो आपको मेरा दूसरा चैनल जो है टेक्निकल दोस्त विनीत पे जाना पड़ेगा, या आप नीचे लिंक चेक करके भी वीडियो चेक कर सकते हैं, या मेरा चैनल चेक करके आप जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मॉल में घूमने ज़रूर जाइए और कमेंट्स करके बताइए कि क्या मॉल आपको अच्छा लगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ मैं आपसे। थैंक यू।